भाई हर दूसरे बच्चे की यही क्वेरी है कि सर जैसे जैसे हम आगे के टॉपिक पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम पुराना पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, क्या करें। इतनी मेहनत करके हम चैप्टर पढ़ते हैं, सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, उस पे क्वेश्चंस करते हैं, डीपीपी करते हैं, मॉड्यूल करते हैं, और जैसे ही दो तीन चैप्टर आगे जाते हैं भूल जाते हैं, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मतलब क्या सोल्यूशन है इसका, क्या सोल्यूशन है इसका। और टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं यार फिर, है ना। और मैं बात करूंगा उन चीजों की, उन मेथड्स की जो मेरे स्टूडेंट्स इतने सालों से यूज कर रहे हैं, मैं खुद यूज करा करता था, और जो इस साल मेरे रैंकर्स हैं उन्होंने यूज करी, है ना। देखो तरीका तो रिवीजन ही है इसका, तरीका तो रिवीजन ही है। इस क्वेश्चन को अगर मैं रीट्रेट करूं कि पुराना पढ़ा ना भूलूं, तो मैं बोल सकता हूं सही तरीका क्या है रिवीजन करने का, है ना। डेफिनेटली तुम कुछ गलती कर रहे हो यार, जिस कारण तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, फिर ढंग से रिवीजन नहीं हो पा रहा है। और कितने रिवीजन करने होंगे हमको कि हम चीजें ना भूलें, तो यार इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन, है ना। तो पहले तो देखो भाई, है ना, ये नीट 2022 का रिजल्ट है मेरा, ना स्टूडेंट्स, है ना, 4 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड, 180 आउट ऑफ 180 इन फिजिक्स, है ना, और अराउंड 17 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 170 प्लस आउट ऑफ 180, एंड टोटल 42-43 है समथिंग हु सिक्योर्ड 160 प्लस, है ना, मतलब, है ना। और फिर तो बाकी तो बहुत सारे ही हैं ना। तो इन लोगों ने क्या यूज़ करा, इंडीड मेरे हर स्टूडेंट सेम चीज़ फॉलो करता है। इंडीड मैं बता देता हूँ, जो चाहे मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, है ना, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, है ना, कहीं और पढ़ रहे हो, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, जो टॉप रैंक लेके आ रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं इसी चीज़ को यूज़ करते हैं, हल्का फुल्का घुमा फिरा के ऊपर नीचे, पर तरीका यही होता है। तो वो तरीका तुम्हें समझना होगा कि क्या कर रहे हो और तुम कहाँ गलती कर रहे हो, तुम्हें वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, आई थिंक, है ना, तुम में से जो लोग अनअकैडमी पे मुझसे आके पढ़ना चाहते हैं, वो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिस इज माई रेफरल कोड, इससे 10% तुम्हें डिस्काउंट मिलता है और कभी कभी 20% भी मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑफर गोइंग ऑन, है ना। तो उसके लिए तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, दिस इज माई टेलीग्राम पर्सनल टेलीग्राम आईडी, है ना, इसमें मैसेज कर सकते हो तुम्हारी जो भी करिए। और इसी के साथ मैं अनअकैडमी पे लगभग हर रोज फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ, जेई में भी और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर तुम मुझसे आके ऑडियो कॉल पे इंटरेक्ट कर सकते हो ना, ये हम मैं कर रहा हूँ लगभग पिछले एक साल से ना, और कई बच्चों से बात करिए, तो तुम सीधे आके मुझसे ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हो। अनअकैडमी का एक बहुत शानदार फीचर है रेज हैंड फीचर, है ना, रेज हैंड, तो उसमें तुम टीचर से ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हो ना। तो हर रोज मेरा सेशन होता है, और तुम्हें एग्जैक्ट टाइमिंग वगैरह पता करनी है तो अनअकैडमी पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, यू विल फाइंड मी ऑन द टॉप। और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीट के बच्चे नीट का चैनल ज्वाइन कर लेना, जेई के बच्चे जेई का चैनल ज्वाइन कर लेना, तो उस पर भी जब भी क्लास होती है क्लास की टाइमिंग वगैरह तुम्हें मिल जाती है, ठीक है। और इसके अलावा भाई, है ना, YouTube को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो YouTube को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये सारी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो बात करते हैं हम क्या क्या करें ना, देखो ना, तो ऐसा क्या करें कि पुराने टॉपिक ना भूलें और सही तरीका क्या है रिवीजन करने का ना। तो तीन चीज़ें सबसे पहले तो अपने दिमाग में याद रखो ना, मैं बताता हूँ तुम्हें डिटेल में। पेन का पेन यहाँ पर है, चलो, है ना, है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तीन मिस नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हर एक के पास इतना समय होता है, जितना समय तुम्हारे पास है उतना ही समय तुम्हारे कंपिटिटर्स के पास है, उतना ही समय उन बच्चों के पास है जो टॉप मार रहे हैं। तो तुम भी कर सकते हो और तुम भी टॉप मार सकते हो। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन, सबसे पहले इन तीन चीज़ को बहुत अच्छे से समझो। और मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ फिजिक्स की कहानी नहीं है, ये हर सब्जेक्ट की कहानी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायो, और मैं कह रहा हूँ दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, दिस इज द वे टू गो। अगर तुम चाहते हो तुम चीज़ों को ना भूलो, वो तुम्हारे दिमाग में छप जाए, दिस इज वॉट यू नीड टू डू, नो नीड टू डू, है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, आर ब्रेन इज हाईली वोलेटाइल, है ना। हम जब चीज़ें पढ़ रहे होते हैं ना, जिस समय हमको लगता है यार ये तो हो गया बस, अब मुझे ज़िंदगी भर ये याद रहने वाला है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, बिलीव मी नेवर ट्रस्ट योर मेमोरी, उस समय हमें याद होता है, अगले दिन याद रहेगा, दो दिन याद रहेगा, तुम थोड़े दिन में भूल जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अगर तुमने कुछ टाइम तक रिवीजन नहीं करा ना, इट विल बी लाइक कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो पहले तो यार अपनी मेमोरी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करना है, तुम्हें कॉन्स्टेंट रिवीजन चाहिए होते हैं और सही टाइम पे चाहिए होते हैं ना। तो देखो सबसे पहले तो डेली रिवीजन का क्या मतलब है, है ना, इसमें तुम्हारी जो भी क्लासेस हुई, लेट से तुमने मेरी क्लास करी आज, है ना, फिजिक्स की, लेट से, है ना, तो क्लास के बाद जाके पहले तो तुम्हें उसी दिन रिवीजन करना है ना, अनलेस अनटिल लेट्स से कभी तुम्हारे कोई क्लास रात में हो रही है तो तुम अगले दिन कर सकते हो, वरना कोशिश करनी कि सेम डे रिवीजन होना चाहिए। और तीनों सब्जेक्ट का तुम्हारा सेम डे रिवीजन होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और वो प्रॉपर होना चाहिए रिवीजन, है ना। तो जैसे रिवीजन, मान लो क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन करवाए, 20 में से लेट्स से तुमने 10 क्वेश्चन खुद से कर लिए थे, 10 क्वेश्चन तुम खुद से नहीं कर पाए थे, तुमने फिर मेरा सॉल्यूशन देखा था ना। तो घर पे आके पहले पूरे नोट्स ढंग से रिवाइज करो, है ना, और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने तो उनको खुद से प्रॉपर सॉल्व करो। सिर्फ मेरा सॉल्यूशन पढ़ने से काम नहीं होगा, तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। और याद रखना तुम चीजों को जंप नहीं कर सकते। कई बच्चे क्या करते हैं कि समय कम पड़ रहा है तो चलो नोट्स रिवाइज नहीं करते, सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। देखो तुम खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो, खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए।
तुम्हें स्टेप्स को जंप नहीं करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है नोट्स। सबसे पहले तुम्हें नोट्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, और नोट्स से अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन तुम्हें कहीं नहीं मिलता। वो थरोली हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, दे आर 100%। तो सबसे पहले वो कंप्लीट होना चाहिए, है ना, तो बाईपास नहीं करना है, ठीक है। और नोट्स को बहुत तमीज से करना है ना। अब नोट्स रिवाइज करने में तुम्हें कितना वक्त लगेगा, आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा, भाई वो डिपेंड करता है आप क्लास में कितने फोकस थे, आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, कई चीजों पे कर सकता है डिपेंड, है ना। उसमें तुम्हें खुद को जज नहीं करना। हो सकता है कोई बच्चा आधे घंटे में आके कर ले, हो सकता है किसी बच्चे को डेढ़ और दो घंटे भी लग जाए, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। तुम्हें पर तमीज से करना है, ये नहीं कि कम समय में करने के लिए तुमने क्वेश्चन आधा अधूरा सोल्व कर लिया, बिना पढ़े आगे बढ़ गए, समझ में नहीं आया फिर भी नहीं, ये नहीं करना। बहुत थरोली पहले दिन का रिवीजन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि आज तुमने क्लास में ताजा ज्यादा पढ़ा है, वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में, जब तुम एक बार रिवाइज करते हो वो छप जाती है दिमाग में। सो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं देखो कई बच्चे इसको तक मिस कर देते हैं यार। मतलब दिस इज समथिंग सो बेसिक कि ये किसी को तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है कि करना होता है, ये तुम्हें इनहेरेंटली पता होता है कि यार ये तो हर एक इंसान को करना है, और तुम उसको भी मिस कर देते हो ना, नेवर डू दैट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेली रिवीजन। इसी के साथ उस नोट्स में अगर तुम्हारा कुछ मिसिंग था, टीचर ने कोई पॉइंट बोला था क्लास में जो तुम नहीं लिख पाए थे, समय सफिशिएंट नहीं था नोट्स लिखने के लिए, तो उसको लिख लो, वो अभी वो सब अभी तुम्हारे दिमाग में है, नोट्स में करेक्शन कर लो। और अगर क्लास रिवाइज करने का तुम्हें कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो तो उतने से पार्ट की रिकॉर्डिंग देख लो, क्लास के 5 से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लो, है ना, तब भी क्लियर ना हो तो अगले दिन क्लास में जाके पूछ लो टीचर से कि भाई ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी अगले दिन जाके पूछते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच एवरी वन इज सपोज टू फॉलो, ठीक है। अब देखो डेली रिवीजन भी खत्म नहीं हुआ, अब अगला दिन आया, तुमने आज का तो रिवाइज कर लिया, फिर तुमने डीपीपी शीट जो भी है तुमने वो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करे, अब अगला दिन आया, अब अगले दिन मान लो फिर फिजिक्स की क्लास होने वाली है, तो तुम्हें 5-10 मिनट पहले बैठ जाना है ना, हर दो क्लास के बीच में 15 मिनट आधा घंटा वगैरह का ब्रेक होता है ना, 15 मिनट का ब्रेक हर जगह होता है भाई, तुम ऑफलाइन में जाओ, ऑनलाइन जाओ, कहीं भी जाओ, तो उस 15 मिनट के ब्रेक में तुम्हें फटाक से रिवाइज करना होता है यार। दो क्लास के बीच में जो होता है तुम्हें अगली क्लास का रिवाइज करना होता है, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो फिर से तुम्हें क्लास ढंग से समझ में नहीं आएगी। और अगर तुमने वो पहले दिन वाला रिवीजन अच्छे से कर लिया है तो अब तुम्हें रिवाइज करने में 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, तुम्हें बस नोट्स ऐसे पलटने होते हैं। तो हमेशा अगली क्लास से पहले पिछली क्लास के नोट्स रिवाइज करे जाते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज बताता हूं ना, तुम कहोगे सर टोटल हमें कितने रिवीजन करने चाहिए जनरली किसी भी चीज के, ना तो इसका कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, बट इन जनरल 30, एग्जाम में जाने से पहले तुम्हें टारगेट रखना है हर एक सब्जेक्ट के तुम्हारे 30 रिवीजन हो जाने चाहिए। जैसे फिजिक्स ही बात करूं तो देखो फिजिक्स में तुम्हारे सफिशिएंट रिवीजन हुए या नहीं हुए, इसका एक आसान सा तरीका है, क्या तुम पूरी कंप्लीट 11 12th की फिजिक्स, जब तुम फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले क्या तुम कंप्लीट 11 12th की फिजिक्स पूरी की पूरी फिजिक्स 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, 2-3 घंटे में, 2 घंटे में होती है, मैंने खुद करी हुई है, मेरे स्टूडेंट्स इतने सालों से कर रहे हैं। अगर तुम अपने पूरे नोट्स एक सब्जेक्ट के 2 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो मतलब तुम्हारे सफिशिएंट रिवीजन हो गए, और नहीं कर पा रहे हो मतलब अभी तुमने ढंग से रिवीजन नहीं करा है ना। 30 जस्ट टू गिव एन आइडिया, बट इतने करने होते हैं, चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, चाहे मैथ्स हो, है ना, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये वाली चीज हो गई है ना, है ना। अच्छा एक चीज ये मत सोचना कि इसे बता, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जो तुम भूलते हो, अगर तुमने फिजिक्स और मैथ्स में भी फॉर्मूले रिवाइज नहीं करे, कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं करे तो भूल जाते हो, या फिर तुम एग्जाम में जाओगे तुम्हें याद कर रिकॉल करने में इतना समय लग जाएगा कि तुम्हारा फिर टाइम कम पड़ जाएगा, तुम्हारा पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अब देखो डेली रिवीजन में भी एक चीज है, जैसे मान लो तुम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट्स हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, लेट्स उसमें हमारे 5 क्लासेस हैं, लेट्स है ना 3, 4, 5। तो तुम्हें एक चीज समझनी है, जब तुमने फर्स्ट क्लास करी आज, तो सेकंड क्लास में जाने से पहले तुम्हारे एक्चुअल में उसके 2 रिवीजन ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि तुमने पहले तो सेम डे पढ़ा घर पे आके, फिर एक क्लास से पहले पढ़ा, पर ठीक है अपन उसको एक ही रिवीजन काउंट करते हैं, क्योंकि क्लास से पहले वाला तो बहुत क्विकली होता है 5-10 मिनट का ना, पर वैसे तुम्हारे 2 रिवीजन हो गए। तो देखो जब तुम सेकंड क्लास में गए तो तुमने फर्स्ट क्लास का ऑलरेडी 1 रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब तुम्हारी सेकंड क्लास हो गई, अब तुमने घर पे आके सेकंड क्लास का पूरा रिवीजन करा तो 1 क्लास हो गया। अब थर्ड क्लास से पहले, जब तुम्हारी थर्ड क्लास होगी उससे पहले जो 5-10 मिनट का वक्त होता है उसमें तुम्हें फर्स्ट क्लास की भी नोट्स रिवाइज करने, सेकंड क्लास की भी नोट्स रिवाइज करने, और ये फर्स्ट क्लास का एक्चुअल में थर्ड रिवीजन हो रहा होगा तुम्हारा, समझो। तो अब तुम्हें उतना ज्यादा समय नहीं लगता, एज योर नंबर ऑफ रिवीजन इंक्रीजेस टाइम टू रिवाइज डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। तुम जितने ज्यादा रिवीजन करते जाते हो उस एक पर्टिकुलर चीज के, अब उसको रिवाइज करने में जो समय लगता है वो कम होता जाता है। एक समय ऐसा था, एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो जनरली 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाता है, 5 मिनट में पूरा चैप्टर आराम से रिवाइज होता है अगर तुमने सफिशिएंट रिवीजन कर लिया है, और नहीं हो रहा तो तुमने नहीं करे, बहुत सारी चीजें अभी तुम्हारे दिमाग में बैठी नहीं है, ठीक है। अब तुम सोचो तो इसका 1 रिवीजन और हो गया, अब जब तुम थर्ड क्लास करी तुमने आज, तो थर्ड क्लास करने से पहले सेकंड क्लास का 1 और रिवीजन कर लिया तुमने ना, ठीक है। तुम समझ रहे हो ना, नंबर तुम्हारे होते हैं, जैसे अगर फिफ्थ क्लास जब तुम्हारी कंप्लीट होगी, जब तुम्हारी फिफ्थ क्लास कंप्लीट होगी, फोर्थ क्लास का तुम्हारा 1 रिवीजन हुआ होगा, थर्ड क्लास के तुम्हारे 2 रिवीजन हो चुके होंगे, सेकंड क्लास के तुम्हारे 3 रिवीजन हो चुके होंगे, और फर्स्ट क्लास के तुम्हारे 4 रिवीजन हो चुके होंगे। तो तुम्हें लगता है कि 30 रिवीजन करना बहुत बड़ी बात है, अगर तुम तमीज से पढ़ रहे हो ना तो इस तरह से होता है।
मतलब अगर एनएलएम की फिफ्थ क्लास चल रही है तो उससे पहले की सारी क्लासेस रिवाइज होती हैं, और अब ज्यादा समय नहीं लगता। अब पहली क्लास रिवाइज करने में तुम्हें मुश्किल से 1 मिनट 30 सेकंड लगेंगे, इतने इतने जल्दी जल्दी होते हैं तुम्हें, क्योंकि याद हो जाता है किस नोट्स पे तुमने क्या लिखा है, बस तुम पलट रहे होते ऐसे पेजेस, है ना। तो अगर तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा है, मतलब तुम ढंग से रिविजन नहीं कर रहे हो, और जब तुम इस तरह से करते हो हर एक सब्जेक्ट में, तब जाके चीजें तुम्हारे दिमाग में छपती हैं। आज अब वीकली रिविजन क्या है भाई, तो हर संडे को जनरली क्विजेज होते हैं ना, जैसे मैं तो भाई हर संडे को क्विज लेता हूँ फिजिक्स में ना, चाहे जेई के स्टूडेंट हो चाहे नीट के हो ना। तो क्या है भाई, ये क्विज तुम्हारे लिए एक बहाना मिल गया ना रिवाइज करने का। लेट्स से तुम्हारा रात को 9 PM पे क्विज है या फिर जिस भी टाइम पे, तो उससे 1-1.5 घंटे पहले बैठ जाओ और उस पूरी वीक के जो भी पढ़ाए उस वीक में पूरे नोट्स रिवाइज कर दो। और अगर तुम ये ढंग से कर रहे हो ये पूरे रिविजन, तो तुम्हारा आराम से आधे घंटे में पूरा रिविजन हो जाएगा तुम्हारा। अब जाके अपना एग्जाम दो, फिर टेस्ट एनालिसिस करके देखो कहाँ गड़बड़ हुई है ना। अगर मान लो तुम्हारे रिविजन हो, लेट से कहीं पे तुम्हारे टीचर वीकली क्विजेज नहीं ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। तुम्हें पता नहीं हर संडे, जैसे मैं हर संडे को लेता हूँ ना, तो तुम्हें तुम्हारा हर संडे जो आता है वो तुम्हारा डे होना चाहिए पूरे वीक का रिवाइज करने का, तीनों सब्जेक्ट के आता है ना, दिस इज वो ट्रू फॉर ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, है ना। तो फिर वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में छप जाती हैं। अब उसके बाद मंथली, इन जनरल हर जगह मंथ के एंड में तुम्हारा एक प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है ना, हम लोग भी करते हैं ना प्रॉपर, है ना, जो 3 घंटे का तुम्हारा होता है नीट या जेई लेवल का, बिल्कुल प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है, तीनों सब्जेक्ट आते हैं उसमें ना। तो ये तुम्हारा अगला बहाना है ना कि पूरे मंथ जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। तो अब इसमें तुम्हें क्या कर जाना है, तुम्हें बैठ जाना है, 3-4 घंटे का टाइम तुम्हें निकाल लेना है, और पूरी 1 घंटे में फिजिक्स पूरी कर ली, 1 घंटे में केमिस्ट्री कर ली, 1 घंटे में बायोमैथ जो भी है तुम्हारा वो रिवाइज कर लिया, हो गए तुम्हारे। और अगर तुमने इतने रिविजन कर लिए तो बेटा अब वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग से कभी नहीं जाने वाली, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखना, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसके आगे एक समस्या और आएगी, अभी भी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती ना, है ना, प्रॉब्लम्स का लेवल चेंज होता है वो कभी खत्म नहीं होती ना। इसमें इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में कवर कर दे रहा हूँ एक एक चीज जो तुम फेस करने वाले हो, है ना। तो जब तुम ये सक्सेसफुली कवर कर लोगे तो उसके बाद एक हल्की सी दिक्कत और आएगी। जब तुमने लेट से 4-5 महीने हो गए, तो अब जब जो टॉपिक पढ़े होंगे ना 3-4-5 महीने पहले, तो वो तुम्हें लगेगा तुम्हारे दिमाग से गायब हो गए। तुम अगले चैप्टर पढ़ते जा रहे हो पर वो लगेगा, इतना करने के बाद भी तुम्हें लगेगा कि तुम उनको भूल गए हो। ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट भूल गए पर भूल गए हो, अब तुम उनके क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा समय लगेगा ना। अब तुम घबराने लगोगे, यार ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैंने 5 महीने पहले न्यूट्रल मोशन पढ़ा था, अब उसके क्वेश्चन करने में मुझे समय लग रहा है, एकदम से याद नहीं आ रहा। देखो पहले तो ये जो हो रहा है दैट इज परफेक्टली फाइन, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू हैव टू बी रियलिस्टिक, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। ऐसा तो नहीं है कि जब सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है तो अब हमें कम टाइम चाहिए करंट टॉपिक को पढ़ने के लिए। अरे भाई तीनों सब्जेक्ट चल रहे होते हैं, हर रोज होमवर्क मिल रहा होता है, क्लासेस हो रही है, करंट टॉपिक का ही पढ़ने का इतना होता है कि अब तुम 5 महीने बाद पुराना रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, असंभव भी नहीं है पर पॉसिबल भी नहीं है। अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें समय मिल जाता है कि भाई तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिल गई, मान लो कभी तुमने पूरे 5-6 महीने का रिवाइज कर लिया, अच्छी बात है। नहीं मिल रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हें लग रहा है अभी कि तुम भूल गए पर तुम नहीं भूले, जब तुमने इतना कर लिया ना वो तुम्हारे दिमाग में छप चुका है, और मैं बताऊंगा वो कैसे वापस आएगा, है ना। तो हो जा रहा है रिवाइज तो अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे लेट से हमने 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद अब अगले 1 महीने बाद पूरा 11th रिवाइज करेंगे ना। अगर अपन ने 11th 12th कंप्लीट कर लिया तो अगले 2 से 3 महीने में पूरा 11th 12th कंप्लीट रिवाइज करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो उस वक्त वो फर्स्ट रिविजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो फर्स्ट रिविजन जब तुम करोगे ना, उसको करने का भी बिल्कुल सही तरीका वो मैं बताऊंगा ना। तो जब तुम फर्स्ट रिवीजन करते हो पूरा सिलेबस होने के बाद, एंड मैं मान के चलो तुम ये 3 चीज़ें कंप्लीट करते हो चल रहे हो, तो जब तुम अब जाके एनएलएम उठाओगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तुम्हें लगेगा कि तुम भूल चुके हो। नहीं, अगर पहली बार पढ़ने में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर करने और क्लास क्वेश्चन वगैरह करने में लेट से तुमने टोटल 30 आवर्स दिए थे, इस बार वो सब तुम्हारा 5 से 10 घंटे में वापस आ जाएगा। 1/3 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी बहुत 1/4 1/5 टाइम में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें लगेगा तुम्हें कुछ नहीं अपने नोट्स रिवाइज करने, हाँ अब जब तुम नोट्स रिवाइज करोगे तो अब तुम्हें बहुत महीने हो चुके हैं, तो अब तुम्हें लगेंगे आराम से लग जाएंगे 2-3 घंटे नोट्स रिवाइज करने भी लग जाएंगे। उसके बाद तुम्हें मार्क्ड क्वेश्चन करने हैं, तुम्हें नया मटेरियल सॉल्व नहीं करना। इंडीड मैंने फर्स्ट रिवीजन कैसे करते हैं, ये फर्स्ट रिवीजन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, उस पर एक अलग से वीडियो बना के डाल दिया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना ना। तो फर्स्ट रिवीजन में नए क्वेश्चन मत उठाना, मार्क्ड क्वेश्चन उठाना। मार्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं वो देख लेना वीडियो में, पता चल जाएगा। अगर तुम इस तरह से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है तो भाई मतलब कमेंट वगैरह में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो फिर अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पे मतलब हर रोज जो क्लासेस होती हैं फ्री क्लासेस वगैरह सब अपडेट आ जाते हैं, तो उनमें आके तुम सीधे ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हो। ठीक है गाइस, बाय बाय।